दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए SBI की न्यू भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, SBI SEO के लिए 400 से अधिक वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि क्या यहां पर कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं SBI SEO ऑनलाइन फॉर्म 2023 की पूरी जानकारी। जी दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक SBI के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की, SEO की यहाँ पर इसमें पोस्ट निकली है। इसके लिए 439 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर 16 सितंबर 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 अक्टूबर 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 6 अक्टूबर 2023 है। ऑनलाइन एग्जाम की डेट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में है। बाद अगर यहाँ पर सैलरी डिटेल की जाए तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए सैलरी आप देख सकते हो 36,000 से 63,840 है। डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 48,170 से 69,810 है। चीफ मैनेजर के लिए 76,010 से 89,890 है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 89,890 से 1,350 है। और इसी तरह मैनेजर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 63,840 से यहाँ पर 78,230 है प्रति माह के लिए। बात अगर इसमें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम आयु सीमा असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 वर्ष है और डिप्टी मैनेजर के लिए 35 वर्ष है। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और मैनेजर के लिए 38 वर्ष है और चीफ मैनेजर के लिए 42 वर्ष है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए भी 45 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए 750 है। SST PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट कम इंट्रक्शन या शॉर्ट लिस्टिंग कम इंट्रक्शन और इंटरव्यू के आधार पे। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SBI.CO.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट INDSarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी PDF ओपन हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे यहाँ पर इसमें मंगाए जा रहे हैं। 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। साथ ही साथ मैक्सिमम एज लिमिट, ग्रेड रेगुलर, साथ ही साथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी इंफॉर्मेशन आपको PDF में ही दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पर इसके बाद में आपको इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बाकी की डिटेल भी आपको यहाँ पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें PDF में ही दे दी गई है। BBTech, MCA, MBA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, CA से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन इस PDF में दे दी गई है। इस PDF को आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल रीड करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। इसमें एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है। एग्जाम सेंटर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के लिए आप यहाँ से ये एग्जाम सेंटर देख सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर पैटर्न देख सकते हो। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको ये पैटर्न दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड जैसे कि देख सकते हो टेस्ट में, यहाँ पर इसमें टेस्ट रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे।
क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स होंगे, इसी तरह जनरल आईटी नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए यहाँ पर रोल बेस्ड नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इसके लिए टाइमिंग भी दी गई है, जो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड है उसके लिए 90 मिनट की इसमें टाइमिंग रहेगी और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए यहाँ पर 70 मिनट की टाइमिंग रहेगी। तो इसका ये एग्जाम पैटर्न है जो आप रीड आउट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के लिए 70 मार्क्स रहेंगे, यहाँ पर परसेंटेज रहेगी, और इंटरव्यू के लिए 30% रहेंगे। तो 100 यहाँ पर टोटल मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए सिलेक्शन क्राइटेरिया आप बाकी की डिटेल के लिए चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इसमें सैलरी की डिटेल भी पोस्ट वाइज दे दी गई है, हाउ टू अप्लाई का ये प्रोसीजर दिया कि जिसको आप फॉलो कर सकते हो, गाइडलाइंस दी गई है पेमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने की डिटेल्स आपको दी गई है कि कैसे आप कितने केबी में अपलोड करोगे, वो आप पीडीएफ से रीड आउट कर सकते हो। पीडीएफ रीड करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक इन्फो भरनी होगी, सेकंड नंबर पर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, थर्ड नंबर पर डिटेल्स फिल करनी होगी, फोर्थ नंबर पर प्रीव्यू चेक करना होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करना होगा और फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। ऐसे आप SBI की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।